वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रिफर्बिश्ड आईफोन 6s के कैमरा सैंपल्स और वीडियो सैंपल्स। इसका ऑलरेडी मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना चुका हूँ, मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी मेरे पास कमेंट आए थे कि आप इसके कैमरा सैंपल्स के वीडियो भी सैंपल्स आप अपलोड कीजिए, तो गाइज़ मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए और वीडियो भी मैंने बनाई है मॉर्निंग इवनिंग नाइट में। और इसमें आपको 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड, 1080p 60 फ्रेम पर सेकेंड और 30 फ्रेम पर सेकेंड में वीडियोस मिल जाएंगी देखने के लिए। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि आईफोन 6s का कैमरा अभी भी कितना अच्छा है और क्या ये लेना एक गुड ऑप्शन है अभी भी 2021 में। लगभग दिसंबर चल रहा है और 2022 में भी क्या लेना वर्थ इट है। तो आपको बिना देरी करते हुए गाइज, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड। और देख सकते हैं किस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं कोई माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये कैमरे का डिफ़ॉल्ट माइक्रोफोन है। ये देख सकते हैं नॉर्मल वॉक करते हुए और ये थोड़ा तेज, और अगर मैं रनिंग करता हूँ तो इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड, मैं नॉर्मल वॉकिंग करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसका स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं, और इसका ऑटो फोकस देख सकते हैं आप।
और अगर मैं थोड़ा तेज़ चलता हूँ तो और ये रनिंग करते हुए ये देख सकते हैं आप। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड में। यहाँ पर आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं और वीडियो स्टेबलाइजेशन भी देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस है। ये इसका ऑटो फोकस आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी स्मूथ ऑटो फोकस है। और अगर मैं थोड़ा तेज़ चलता हूँ तो और ये भागते हुए देखिए और गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं अपने पोको F1 के साथ यहाँ पर आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ वीडियो क्वालिटी का डिफरेंस। और दोनों फ़ोनों का आप स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड में रिकॉर्ड हो रही हैं। ये मैं नॉर्मल वॉक करते हुए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर पाएँ। ये नॉर्मल वॉकिंग और उसके बाद में थोड़ा तेज़ चलते हुए दोनों फ़ोन में स्टेबलाइजेशन चेक कर सकते हैं आप क्वालिटी का डिफरेंस। और अगर मैं यही वीडियो थोड़ा भाग के शूट करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप। दोनों का स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। जबकि पोको F1 लगभग अब से 2 साल पहले ही फ़ोन आया था ये, और अभी भी इसका अगर आप प्राइस चेक करेंगे तो वो आपको शायद 17-18 के आसपास मिल सकता है। और जो ये iPhone 6s है ये अब से 6 साल पहले फ़ोन आया था। कितना ह्यूज डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे दोनों की वीडियो क्वालिटी में। तो गाइस इससे आपको एक बेहतर आइडिया मिल सकता है कि कैमरे क्वालिटी में आपको आईफोन 6 कितनी अच्छी वीडियो बना के अभी भी दे सकता है। ये देख सकते हैं गाइस नाइट में इस तरह का वीडियो रहेगा। और जितनी भी मैंने रिकॉर्डिंग की है उन सबकी रिकॉर्डिंग में जो माइक यूज हुआ है वो फ़ोन का इंटरनल माइक यूज हुआ है। मैंने कोई एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं
नाइट में भी काफ़ी अच्छा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल सकता है। तो गाइज़ आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया मिल गया होगा कि रिफर्बिश्ड आईफोन 6s का कैमरा कितना ज़्यादा वर्थ इट है आज के टाइम में, और आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली है और काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्वालिटी इसने काफ़ी अच्छे सैम्पल्स लिए हैं, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कि ये काफ़ी आउटडेटेड मोबाइल है। अभी भी ये काफ़ी अच्छे कैमरा सैम्पल्स ले रहा है और वीडियो की क्वालिटी भी आपने देखी होगी कितनी अच्छे से वीडियो स्टेबलाइजेशन इसने मैनेज किया था, और पोको F1 के कंपैरिजन में भी इसने बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको बना के दिखाई है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। एक थम्स अप देकर जरूर जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते किसी नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।